क्या आपको भी ऑफिस में काम करते हुए नींद आने लगती है या रात भर सोने के बाद भी आप दिन भर उबासियां लेते रहते हैं? अगर ऐसा है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी आलस के शिकार हो चुके हैं और आलस आपके सफलता के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसे अगर आपने आज ही नहीं त्यागा तो ये आने वाले भविष्य में आपके सामने कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आलस को दूर करने की दवाई कहाँ मिलती है, या आलस का शिकार होने पर आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो आज हम आपको बताएंगे आलस्य यानी कि आलस दूर भगाने की 4 जापानी तरकीबों के बारे में। आपको बस हर दिन इन 4 तरकीबों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना है और कुछ ही दिनों में आप खुद ब खुद इनके नतीजे महसूस करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक भारतिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय रहते पहुंच सके। इनमें पहला है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण। इकी यानी कि जीना और गाई मतलब कारण। जापानी लोग मानते हैं कि इस दुनिया में हर किसी के पास इकिगाई होती है, यानी उनके जीने की वजह। जहाँ कुछ लोग अपने इकिगाई को जल्द ही तलाश लेते हैं तो वहीं कुछ लोग जीवन भर इसी तलाश में रहते हैं कि आखिर उनके जीने का मकसद क्या है। ऐसे में अगर आप अपने इकिगाई खोज लेते हैं तो आपके पास हर सुबह उठने का एक उद्देश्य होगा जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करेगा। इसे आप जापानी फिलॉसफी भी कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आप अपने इकिगाई की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले एक पेपर पर 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं। पहले सर्कल में आपको वो 2 चीजें लिखनी हैं जो आपको करना अच्छा लगता है। दूसरे सर्कल में वो 2 चीजें लिखें जिसकी डिमांड असल जिंदगी में है। इसके बाद तीसरे सर्कल में आप वो 2 चीजें लिखो जिसके लिए आपको पता है कि लोग आपको पे करेंगे। वहीं चौथे सर्कल में आपको वो 2 चीजें लिखनी हैं जिनमें आपको लगता है कि आप अच्छे हैं। फिर वो एक चीज जो आपको लगता है कि इन चारों सर्कल में एकदम फिट बैठती है तो वही आपकी इकिगाई है। इसके बाद दूसरे जापानी तरकीब का नाम है काइज़ेन। जापानी लोग दुनिया भर में एक से बढ़कर एक आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। चाहे आज के वक्त में युवाओं के बीच मशहूर एनिमे या मांगा हो या फिर जूडो कराटे, जापानियों द्वारा किए गए कई आविष्कारों को आज दुनिया के कई देशों में अपनाया जा रहा है। काइज़ेन भी ऐसा ही एक आविष्कार है जिसे जापानीज मैनेजमेंट फिलॉसफी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है खुद को निरंतर सुधार पर केंद्रित रखना। जापान में इसे लोगों की सक्सेस की भी कहा जाता है। जैसा कि काइज़ेन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला काई जिसका अर्थ है परिवर्तन का प्रतीक और दूसरा जेन जिसका अर्थ होता है ज्ञान। काइज़ेन के सिद्धांतों का इस्तेमाल जापानी लोग अपने व्यक्तिगत विकास और आलस पर काबू पाने के लिए करते हैं। इस प्रैक्टिस का एक ही मैसेज है कि आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने कहीं कोई सुधार ना किया हो। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे काम करती है ये तरकीब। दरअसल काइज़ेन हर दिन आपकी जिंदगी का केवल 1 मिनट मांगती है। हालांकि 1 मिनट आपको हर दिन एक ही समय पर निकालना होगा जिसमें आप कोई भी एक ऐसा काम करें जिसके लिए आप खुद को प्रतिबद्ध कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन का एक समय निर्धारित कर उसमें 1 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको हर दिन उसी समय पर 1 मिनट का समय निकाल कर किताब पढ़नी है। जब आप धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपकी समय सीमा भी बढ़ती जाएगी। जिस काम को आप शुरुआत में केवल 1 मिनट के लिए कर रहे थे वो काम आप समय के साथ 1 घंटे के लिए करने लगेंगे। इस तरकीब के सहारे न केवल आप धीरे धीरे खुद से आलस को दूर होता पाएंगे बल्कि कुछ ऐसे काम भी कर पाएंगे जो आलस के कारण नहीं कर पाते थे। हालांकि इसे अपनाने के लिए पहले आपको अपना इकिगाई तलाशना बेहद जरूरी है। काइज़ेन के बाद बारी आती है पोमोडोरो तरकीब की। वैसे तो ये तरकीब इटली की देन है मगर जापान के लोगों ने इसे व्यापक रूप से अपने जीवन में शामिल कर लिया है। ये एक तरह की टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिसके अनुसार इंसान के वर्किंग आवर्स या फिर पढ़ाई करने के समय को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है।
इस तरकीब को 1980 के दशक में फ्रांसिस्को सिरिलो ने विकसित किया था। हालांकि उन्होंने इसे अपने पढ़ाई के दौरान फोकस करने के लिए विकसित किया था, लेकिन बाद में इस तकनीक को काम में फोकस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तकनीक के अनुसार अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो बिना अपना ध्यान भटकाए आपको 25 मिनट अपना काम करना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसी तरह अगर आप पूरा दिन 30-30 मिनट के अंतराल में 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर काम करेंगे तो ना केवल आप सही ढंग से फोकस होकर काम कर सकेंगे, बल्कि काम करते हुए आने वाली उबासियों और आलस को भी दूर भगा सकेंगे। अब बात आती है चौथी जापानी तरकीब हारा हाचीबू की, जो कि जापान का एक प्रचलित वेट लॉस डाइट फॉर्मूला है। इससे ना केवल आपका वजन कंट्रोल रहता है बल्कि आपकी उम्र भी लंबी रहती है। हारा हाचीबू के अनुसार जब आपका पेट 80% तक भर जाए तभी आप खाना बंद कर दें, यानी कि कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं, हमेशा अपने पेट को 20% खाली रहने दें। वहीं इसका दूसरा फायदा ये भी है कि जब आपका पेट भरा होता है तो आपको सुस्ती ज्यादा आती है, यानी कि आप खाना खाने के बाद अक्सर आलस करने लगते हैं। ऐसे में अगर आप पेट को 20% खाली रखेंगे तो आप आलस से भी बच सकेंगे और एनर्जी के साथ बाकी काम कर पाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए भारती का। नमस्कार।